से खबर। थाने में हंगामे का वीडियो वायरल हुआ। दरअसल थाने में घुसे कुछ लोग पुलिसकर्मियों को अपशब्द कहते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। स्थानीय सरपंच रघुराज सिंह और समर्थक इस वीडियो में है। बेजा कार्रवाई मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में ही जमकर इन लोगों ने अपशब्द कहे। कोटा ग्रामीण के बपावर पुलिस थाने का ये प्रकरण। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो जरा आप एक बार देखिए। इसमें स्थानीय सरपंच रघुराज सिंह है और उनके समर्थक इस वीडियो में मौजूद हैं, जो कि बेजा कार्रवाई और मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में ही जमकर अपशब्द कहते हुए, गाली गलौज करते हुए और विवादास्पद शब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फोर्स इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो एक बार फिर से आपको बता दें, कोटा से खबर बता रहे हैं, जहां थाने में हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। थाने में दरअसल कुछ लोग दाखिल हुए जो पुलिसकर्मियों को अपशब्द कहते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। जरा आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। स्थानीय सरपंच बताए जा रहे हैं रघुराज सिंह और उनके समर्थक इस वीडियो में बेजा कार्रवाई मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में ही उन्होंने जमकर अपशब्द कहे। कोटा ग्रामीण के बपावर पुलिस थाने का ये प्रकरण, लेकिन फोर्स इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो फिर से एक बार इस मामले पर आपको ब्रीफ कर दें। कोटा से खबर आपको बता रहे हैं, इस थाने में हंगामे का वीडियो। दरअसल थाने में कुछ लोग दाखिल हो आए और पुलिसकर्मियों को विवादास्पद शब्द अपशब्द इस दौरान कहने लगे। स्थानीय सरपंच रघुराज सिंह बताए जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो में मौजूद है। साथ ही उनके समर्थक भी थाने पहुंचे, अपशब्द पुलिसकर्मियों को कहे और माहौल वहां पर एक बारगी के लिए गर्मा भी गया। दरअसल बेजा कार्रवाई और मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में जमकर अपशब्द कहे गए और उसी का ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो की पोस्ट इंडिया पुष्टि नहीं करता। कोटा ग्रामीण के बपावर पुलिस थाने का ये प्रकरण। अधिक जानकारी के साथ कोटा से सहयोगी भवर एस चारण इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भवर, ये जो थाने से जुड़ा हुआ वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, हालांकि फोर्स इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के बारे में आप ब्रीफ दें थोड़ा सा, ये वीडियो हुआ कैसे? देखिए, स्थानीय पुलिस सूत्रों ने फिलहाल इस पूरे वाकये का और इस वीडियो का एक तरह से वेरिफिकेशन कर दिया है, पुष्टि कर दी है कि हाँ, ये वाकया कल रात का है और कोटा ग्रामीण के बपावर पुलिस थाने में इस तरह का हंगामा हुआ है। देखिए, दो बातें हैरान कर देने वाली है। पहली बात तो ये कि इस वीडियो में इतने ज्यादा अपशब्दों का प्रयोग किया गया है कि हम ये दर्शकों को सुना भी नहीं सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये एक पुलिस थाने के अंदर होता है। पुलिस कर्मियों ने भी यहाँ पर इस तरह की खबर हमें मिली है कि अपनी तरफ से गालियां बोलने में कोई कमी नहीं रखी है, और जो लोग यहाँ पर पुलिस थाने पहुंचे थे और उसमें से कुछ लोग ऐसी खबर है कि शायद शराब के नशे में भी थे, उन्होंने भी वहां पर खूब गालियां बोली है। तो आप देखिए, जहां पर एक तरह से आमजन में इकबाल बहाल करने की बात होती है, आमजन में सुरक्षा अपराधियों में भय का जहाँ नारा दिया जाता है, उसी सेंटर पर पहुंचकर, उसी थाने में पहुंचकर इस तरह की चीजों का घटित होते देखना अपने आप में हैरान करने वाला। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये तो ठीक है, ये वीडियो फर्स्ट इंडिया के पास आ गया और फिलहाल अभी पब्लिक डोमेन में आ चुका है हमारे टेलीकास्ट करने के बाद, लेकिन इससे पहले इस बात की पुलिस की तरफ से भी खूब कोशिश हुई कि इस पूरे मामले को डक छुपा करके और दबा दिया जाए और ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं इस तरह से प्रचारित किया जाए। तो अपने आप में ये पूरा वाकया बहुत हैरान कर देने वाला है और इस पूरे मामले में अभी किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। खबर इस तरह की है कि जो स्थानीय सरपंच है रघुराज सिंह, वो अपने भतीजे को लेकर के और शराब पीने की किसी बात को लेकर के थाने में पहुंचे थे, वहां उनका पुलिसकर्मियों से विवाद हुआ और इसके बाद में उनकी पुलिसकर्मियों के साथ गुत्थम गुत्था होने की स्थिति बन गई और जमकर थाने के अंदर खली खोच हुई। जी बिल्कुल, चलिए भवर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको सुनाते हैं ये ऑडियो कि आखिरकार इस वीडियो में जो लोग हंगामा कर रहे हैं उसका ऑडियो क्या है। अरे सरपंच, क्या कर रही हो? 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 अरे सरपंच, क्या कर रही ह